हलका दाखा तो आम आदमी पार्टी तो चोण जित के विधायक बने सीनियर वकील एच एस फुलका का अस्तीफा होण प्रवान कर लिया गया। जी हाँ, विधानसभा के स्पीकर राणा के पी सिंह वालों एच एस फुलका का यह अस्तीफा मंजूर किया गया। फुलका के अस्तीफे नाल पंजाब विच एक होर उप जमनी चोण का राह भी खुल चुका है। दस दिए कि एच एस फुलका वालों 18 अक्टूबर 2018 को अपना अस्तीफा दिता गया सी, जिसनों हुण मंजूर किया गया। नौ महीने के लंबे समय तो बाद आखिरकार सीनियर वकील एच एस फुलका वालों अपनी विधायकी के अहुदे तो दिता गया अस्तीफा मंजूर कर लिया गया। अपना अस्तीफा मंजूर होने तो बाद फुलका ने मीडिया नाल गलबात करदिया कहा कि उन्होंने यह अस्तीफा बेअदबियां के दोषियों खिलाफ कार्रवाई ना होने करके दिता सी। फुलका ने कहा कि बेअदबियां के मामले उपर लीडर वड्डे वड्डे भाषण से कार्रवाई करने की गल आखते हैं, पर सच तो यही है कि अज तक उन्होंने खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। देखो, गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी का जितों तक मामला उसके लिए इंसाफ लेने लिए एक एमएलए की पदवी की कोई भी पदवी वारन वास्ते क्या ना मैं जो अस्तीफा दिता सी गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी के दोषियों के खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा करके मैं अस्तीफा दिता। पिछले साल अगस्त के विधानसभा पंजाब विधानसभा का स्पैशल सैशन होया सी जिदे विच जस्टिस रणजीत सिंह कमीशन की रिपोर्ट नूं डिस्कस किया है। सारा दिन और विधानसभा की डिबेट चली, लाइव चली। डिबेट के विच सरकार के मंत्रियों ने वड्डे वड्डे बयान दिते कि बादलों के खिलाफ एक्शन, बादलों के खिलाफ एक्शन। ऐ लगता सी कि अज रात नूं ही इन्होंने बादलों नूं अरैसट कर लेना, पर उदू मगरों जो अखीर के उत्ते डिबेट खत्म हुई तो कोई रेजोल्यूशन पास नहीं होया और बिल्कुल उत्थे ही फिस्क सारा कुछ हो गया। मैं उसे टाइम बाहर निकल के विधानसभा चो मीडिया नूं उदों कहता सी कि इत्थे कुछ नहीं होना, बिल्कुल कुछ नहीं होना। उदों जिहड़े दूजे ऑपोजिशन लीडर सी ओह मैनू ही क्रिटिसाइज़ कर लग गए कि जी ये गलत कह रहा, सरकार नूं टाइम देना चाहिए। उदू मगरों मैं अपना अस्तीफा इसे करके दिता। तो पर अज देखो साल हो गया तो हुण कोई मेरा ख्याल कल्ला बादलों के खिलाफ बिल्कुल कोई एक्शन नहीं होया। दूजे दोषी भी हुण छुड़दे लग रहे हैं तो जिन्ना कुछ एडिया बड़िया बड़िया फाइंडिंग जस्टिस रणजीत सिंह कमीशन की रिपोर्ट में बादलों के खिलाफ आईया थी वो सारिया ठंडा बस्ते च पाती, सारा कुछ ठंडा हो गया। तो अज मिलके वो मेरी साल पैराना बयान अज हुण सबनों पता चलूगा कि वह बयान बिल्कुल मेरा ठीक सी, अजे तक इतने जिहड़ा एक्शन नहीं होया। पर अज मैं हुण ये पूरी उम्मीद आ कि अज मेरे अस्तीफे तो मगरों ये बेअदबी के मुद्दे से इंसाफ डिमांड फिर बधूगी, पादरों के खिलाफ एक्शन लैन का मुद्दा फिर हुण उच्चा होके उठेगा तो सरकार नूं मजबूर कर दूगा कि वह बादलों के नाल मिली भुगत की बजाय उन्होंने खिलाफ एक्शन लैन तो दूजे दोषियों के खिलाफ एक्शन लैन। हुण अगला की प्लान होएगा तुहाडा? देखो अजे तो यह बेअदबी वाले मुद्दे से करांगे, बाकी दूसरा जो एच ई पी के इलैक्शन आने। देखो ये सरकार हुण यह कह रही है, सेंट्रल सरकार जिन्होंने इलैक्शन कमीशन अपॉइंट करना कि शताब्दी के बिजी आ, शताब्दी तो मगरों जो गुरु नानक देव जी की 550 शताब्दी है जो कि नवंबर चा भी उस तो मगरों जाके इलैक्शन कमीशन अपॉइंट होगा। मैनू भी कई लोगों ने कहा कि सारी जदों इलैक्शन एच ई पी के इलैक्शन का इशू शुरू हो गया तो कौम आपस के वंडी जाऊगी, तो इस करके शताब्दी इकट्ठे मिलकर मनाओ, उस तो मगरों मुद्दा पकाओ। नवंबर लंघन तो मगरों असी एच ई पी सी चोणों का मुद्दा, इलैक्शन कमीशन अपॉइंट होने का मुद्दा इन फिर पकावे। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी, मैं आप तो इलैक्शन लड़ने नहीं, ना ही मेरे किसी ग्रुप ने किसी पार्टी ने लड़ने, कोशिश पूरी रहेगी कि जिहड़े सियासी लोग आ जिहड़े सियासी अपने फायदे के वास्ते एच ई पी सी वरतते हैं उन्होंने सियासी लोगों के नूं बाहर कढ़िया जाए तो धार्मिक लोगों के हाथों के विच ही एच ई पी सी दिती जाए। उधर हुण फुलका दे अस्तीफा मंजूर होने तो बाद सुखपाल सिंह खैरा दा अस्तीफा मंजूर करने की मांग तेज हो गई है। विधानसभा च विरोधी धिर दे नेता हरपाल सिंह चीमा का कहना है कि सुखपाल सिंह खैरा दा अस्तीफा ना मंजूर करके स्पीकर राणा के पी सिंह संविधानिक शक्तियों का दुरउपयोग कर रहे हैं। फुलका साहब का रेजिग्नेशन जिहड़ा गा अस्तीफा सी बहुत लंबे अरसे तो पेंडिंग पिया सीगा, काफ़ी अरसा हो चुका सीगा, सो अस्तीफा प्रवान होया। सो मैं समझदा भी दोबारा जिहड़ी ली इलैक्शन है दाखा इलैक्शन की होनी चाहिए है और दाखा हल्के के लोगों को अपना प्रतिनिध मिलना चाहिए। सुखपाल सिंह जिहड़ा हैगा खैरा साहब उसके खिलाफ असीं लिख के दिता हैगा, स्पीकर साहब जानबूझ के तो फैसला नहीं कर रहे, दो होर MLA जिहड़े मानसैया साहब तो संदोआ साहब उन्होंने खिलाफ उन्होंने खुद अपने रेजिग्नेशन दिते हुए हैं। सो मैं समझदा भी स्पीकर साहब जिहड़ियां संविधानक शक्तियां ने उन्हां दा दुरउपयोग कर रहे हैं।